नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स सरफेस में कैसे रिफ्रेक्शन होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्केव सरफेस बताया था, तो यहाँ हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा इसका फिगर। कॉन्केव सरफेस में हम ऐसा सरफेस बनाते हैं, कॉन्केव में हमेशा ऐसा सरफेस बनेगा जो अंदर की तरफ उसका वो हो, बल्गिंग पार्ट से इंसिडेंट हो। और ये हमारा ग्लास है यहाँ पर, तो इस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 मान लीजिए, ये ग्लास है और हमारी जो रेज आ रही वो एयर से आ रही है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका, अब हमने क्या किया, एक रे डाली, जो रे इंसिडेंट हो रही है ओ ऑब्जेक्ट से। यहां पर हम एक रे डालेंगे, इस तरह रे आप बना लेंगे, ये रे डाल दिया हमने। जो रे इंसिडेंट होगी वो मान लीजिए आई एंगल बना रही है, ये अल्फा डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो जैसे ही ये एयर से ग्लास में जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और इसकी इमेज हमको यहां कहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये होगा हमारा रिफ्रेक्टिंग एंगल, सिंपल है। और ये इमेज जो बनाती है उसको हम बीटा मानते हैं, और ये जो बनाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी नॉर्मल वो गामा एंगल बना रही है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, पहले तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें यहां से जिसकी हाइट एच है, ये पोल है इसका और ये पी है, ये एम है और ये पॉइंट एन मान लिया। आप देखिए वही जो पहले हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैन अल्फा की। टैन अल्फा क्या हो जाएगा, एच अपॉन ये यू, इसको अप्रॉक्स देखिए, ये डिस्टेंस को अगर आप ये कहें कि यू तो यहां से यहां तक होती है, बट इस डिस्टेंस को हम निग्लेक्ट मान लेंगे, ये डिस्टेंस इतनी छोटी है कि वी कैन निग्लेक्ट दिस डिस्टेंस। तो हम जब भी कभी टैन अल्फा लिखेंगे तो टैन अल्फा को हम लिखने के लिए लिखेंगे एच अपॉन ये डिस्टेंस माइनस यू। अब अगर एंगल बहुत छोटा है तो टैन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा, टैन अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन माइनस यू, ये पहला आ गया। इसी तरह से टैन बीटा को अप्रॉक्स हम बीटा लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, बीटा यानी ये, तो एच अपॉन ये डिस्टेंस हमारी जो होगी वो वी होगी पॉजिटिव में, ये हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोज में, तो ये हो जाएगा एच अपॉन V। इसी तरह से टैन गामा को हम प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं गामा छोटा अगर है तो H अपॉन R, ये भी पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हम लोग फिर से वही I और R के एंगल पर। देखिए यहां ट्राइंगल देख रहा हूं मैं कि C N और I को देखें, अगर आप ट्राइंगल C N I, तो C N I हमको क्या दिखाता है, ट्राइंगल C N I, सी एन आई ये दिखाता है कि ये एक्सटर्नल एंगल है देखिए, और एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, अपने इंटरनल के सम के बराबर। तो गामा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, गामा माइनस बीटा के बराबर। एक हमको आर मिल गया, अब दूसरा हमको चाहिए आई, तो देखिए आई के लिए आपको ओ एन सी देखना पड़ेगा, ट्राइंगल ओ एन सी। अब ट्राइंगल ओ एन सी में देखिए ये एक्सटर्नल एंगल है, अल्फा और गामा इनके इंटीरियर एंगल हैं, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, आई हो जाएगा अल्फा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। यहां आपको आई मिल गया, यहां आपको आर मिल गया, अब कोई टेंशन नहीं, बस इतना ही आपको समझना हो, बाकी सीधे सीधे चीजें हो जाएंगी। देखिए कैसे हो जाएंगी, वही स्नेल्स का रूल लगा दीजिए कि साइन आई इज अपॉन साइन आर होता है N2 / N1, ठीक है। अब चूंकि एंगल बहुत छोटे हो, इफ साइन आई को हम अप्रोक्स आई मान लें और साइन आर को अप्रोक्स आर मान लें, तो आई और आर का हो जाएगा N2 / N1। अब आई की वैल्यू हम पुट कर दें अल्फा प्लस गामा, आर की वैल्यू पुट कर दें गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा N2 / N1। फिर से वही काम करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए n1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा प्लस गामा से, तो देखें यहां पर n1 मल्टीप्लाई विद अल्फा प्लस गामा, ओके n2 मल्टीप्लाई विद गामा माइनस बीटा, ये भी चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब अल्फा एक जगह ले लो, बीटा एक जगह ले लो और बाकी चीजें हटा दो, ये हो जाएगा n2 माइनस n1। अब अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं h अपॉन माइनस u, n1 हो जाएगा माइनस u और n2 बीटा है h अपॉन v, तो यहां मैंने h नहीं लिखा, h लिख दिया जाएगा h अपॉन v इज इक्वल टू गामा हो जाएगा h अपॉन r और ब्रैकेट में n2 माइनस n1। ये चीज यहां तक हो गई। अब थोड़ा सा नीचे लेके आए क्योंकि यहां स्पेस बहुत कम बच रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस लाइन। हम h से डिवाइड कर दें सब जगह तो क्या बनेगा, h1 अपॉन माइनस u और n2, सॉरी प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ये ब्रैकेट। अब हम क्या करें कि n2 को इधर ले लें, तो पॉजिटिव हमने आपसे बोला था निगेटिव जो चीज है वो पहले हमारे सामने आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए, तो निगेटिविटी होने की वजह से, तो निगेटिव को हम बाद में लिख लेंगे तो हमारे लिए सुविधा रहेगा, हमारी आंखों को अच्छा लगेगा, बाकी और उसका कोई अर्थ नहीं है ना उसको कोई मतलब है, आप आगे लिखें चाहे पीछे लिखें। अब इस पूरी इक्वेशन में है ना, इन दिस इक्वेशन डिवाइड बाई एन वन, इस पूरी इक्वेशन को हम एन वन से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होगा, तो फिर से वही एन टू अपॉन एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू एन टू बाई एन वन माइनस एन वन बाई एन वन अपॉन आर, तो फिर से वहां पे कटिंग हो जाएगी, इसमें हम कट कर सकते हैं इसको, तो हमारा क्या आएगा n2 by n1 को हम क्या लिख सकते हैं, n n upon v minus ये तो 1 हो जाएगा 1 upon u is equal to n minus 1 upon r। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये वही फार्मूला है जो हमने कॉनकेव सरफेस में फाइंड आउट किया था, इसका मतलब दोनों के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला एक ही होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस में हो चाहे वो कॉनकेव सरफेस में हो, तो दोनों का फार्मूला, जैसे हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो ये चाहे लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो फार्मूला हमारा एक ही आता है। इसी तरह से मिरर में 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए फार्मूला एक ही है। इसी तरह से हमारे रिफ्रैक्शन में चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस हो चाहे वो कॉनकेव सरफेस हो, हमारा फार्मूला वही आएगा और उसी तरह से हम उसको वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार करें और जहां इसको समझने में कोई परेशानी आई हो कोई समस्या हो तो इसको हमसे कमेंट सेक्शन में लिखें और बात करें, तो मैं आपको उन पॉइंट्स को और गहराई से समझा सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नई चीजें लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।